गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। और आज का व्लॉग देखिए कैसा स्टार्ट हुआ है। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब नॉट दैट अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि सब लेट सोए थे तो मैंने कहती थी मेरे किचन की आवाज़ से कोई उठ जाए। इसके लिए आज संडे है तो 8:30 बजे पानी आता है, तो मैं भी उठ तो गई थी 7 बजे, लेकिन बाकी का वही मेरे रूम के आप ही थोड़ा मेरा काम कर रही थी, व्लॉग का अपलोड करने का जो काम होता है वो किया। उसके बाद 7:45 बजे मैं गई मार्केट, बस गर्मा गर्म मेदू वड़ा लेकर आई हूँ, शीरा लेकर आई और इडली लेकर आई हूँ, चटनी है, सांभर है और मैंने चाय देखी। आज मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना क्वांटिटी चाय बनाया होगा, इतने सारे जने ना, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि दो अलग अलग बनाओ कि एक ही इसमें बनाओ। मैंने अलग अलग बनाओगे तो दोनों का टेस्ट थोड़ा अलग अलग दिखेगा, उससे अच्छा एक में ही ले लेती हूँ। और एकदम पूरा दूध वाला चाय बनाई इसमें, ऑलमोस्ट 1.25 लीटर से भी ज़्यादा, थोड़ा 1.25 लीटर से ज़्यादा दूध है और थोड़ा सा ही पानी डाला है, अदरक डाला है, मस्त शक्कर डाला है, चाय पाउडर डाला है, जैसे मेरी मम्मी बनाती है वैसे एकदम दूध वाला चाय पत्ती वाला चाय बनाऊंगी। सानू भी आज उठ गई है जल्दी, 9 बजे उठ गई, अभी तो ऑलमोस्ट सब लोग उठ गए, अभी कितना 9:30 बज गए, एवरीबडी हैज़ गॉट अप। अब चाय एक बार रेडी हो जाएगा, आधे जन तो फ्रेश भी हो गए, पापा, मैं, मम्मी और पूजा, ये लोग फ्रेश हो गए, बाकी अभी उठे ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। जब तक जितने फ्रेश हो गए हम लोग बैठ जाएंगे नाश्ता करने के लिए। मम्मी भी आ गई और जैसे वो स्टॉल वाले चाय बनाते हैं ना वैसा, देखिए वैसा चम्मच भी देखिए कितना बड़ा है। यूजुअली हम लोग छोटा स्पून लेते हैं और उससे चाय बनाते हैं, और आज चाय की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है इसलिए मेरे को ये देखिए इतना बड़ा चम्मच यूज़ करना पड़ रहा है। और मुझे कितना अलग लग रहा है कि मैंने कभी, जब वास्तु पूजा में भी सब लोग आए थे तो हम लोग ने बाहर से ही मंगाया था, जो भी 2-3 दिन सब थे तो बाहर से ही, वो बाहर जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे छोटा सा टेबल रख दिया था, उसको कैटरर्स वाले को बोला था 2-3 दिन यहीं रहने थे। और सुबह का नाश्ता और चाय वो पूरा थर्मस में चाय ला के दे देता था और एक में कॉफ़ी ला के देता था, तो वो बाहर रख देते थे और फिर जो जो जैसे उठ के ब्रश करते थे जाके अपना चाय नाश्ता कर लेते थे। बट अभी क्या एक दिन का बात है, उसके लिए काम है, अभी वो कैटरर्स वाले को पकाऊँ, इसलिए मैंने सोचा मैं ही घर पे चाय बना लूँगी आराम से, क्योंकि इतना कुछ हैसल नहीं है और नाश्ता मैं लेकर आई हूँ सबके लिए। सो यस, द डे हैज स्टार्टेड, द मॉर्निंग हैज स्टार्टेड एंड लेट्स सी अभी पूरा दिन आज का कैसे जाता है। शाम को ये लोग सब निकलेंगे, तब तक देखते डे कैसे जाता है। आप लोग भी व्लॉग को एंजॉय कीजिए। मेरा पूजा करके हो गया है, पूजा इज डन नाइसली, मम्मी नहीं तो पूजा मैं ही कर रही हूँ। और गीत ने अभी आर्या का खिचड़ी बना दिया और मैंने साउथ इंडियन मूवी लगा के रखा है, देखिए टाइम पास के लिए, क्योंकि केबल नहीं है, अभी मम्मी आएगी तभी हम लोग केबल का रिचार्ज करेंगे, बिकॉज आई डोंट वॉच टीवी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए सिर्फ डैडी के रूम का हम लोग ने रिचार्ज कर दिया ये वाले, इसका भी रखा है, जब मम्मी आएगी तब मैं इसका रिचार्ज करूँगी या तो सुशांत कर देगा। तो यहाँ पे सब बैठे हैं, स्मिता, सोनाली, आनंद, प्रमोद सब बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और जाने की तैयारी हो रही है, पैकिंग चालू है क्योंकि दोपहर के बाद तो ये लोग निकलेंगे, तो मम्मी, गीत, ये लोग सब पैकिंग ही कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो आर्या कितना मस्ती चालू है, नौटंकी का कितना मट्टी चालू है। आर यू गोइंग होम? नो। सानू तो देखो अभी तो फ्रेश भी नहीं हुई है, यही इन लोग के साथ ही है। हाँ, वो मेरे पे ही डाल रही है, अभी मैं सानू को लेके जाऊँगी फ्रेश कराने के लिए। और अभी आधे घंटे में जो बिरयानी हम लोग ने ऑर्डर किया है वो भी आ जाएगा, बिकॉज इट्स 12:15 तो 12:45 बजे तक आ जाएगा, और फिर हम लोग मस्त बिरयानी पार्टी, बिरयानी एंजॉय करेंगे और बस पूरा दिन ऐसे ही स्पेंड हो जाएगा और डे होने आएगा एंड, फिर जाने का भी टाइम आ जाएगा। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, मम्मी बोल के गई थी कि स्मिता, सोनाली शादी के बाद फर्स्ट टाइम आ रहे, संगीता तो इससे पहले भी हम लोग के भाईंदर वाले घर में आ चुकी है, तो अनंत, प्रमोद, स्मिता, सोनाली शादी के बाद फर्स्ट टाइम आए, तो मम्मी बोली उनका ओटी भरने गए, तो मैं कल तिरुपति मार्केट से नारियल लेकर आई और ब्लाउज पीस और उनको जो भी गिफ्ट देना है वो भी लेकर आई हूँ, और हम आर्या के लिए भी थोड़ा सा कपड़े लेकर आई हूँ उसको थोड़ा गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि आर्या भी फर्स्ट टाइम आई है, और गीत को भी दूंगी। लेट सी, अभी मैं उसकी तैयारी करती हूँ क्योंकि शाम को ना फिर बहुत घाई घाई हो जाएगा, कुछ करने नहीं मिलेगा, तो आज का कुकिंग पार्ट नहीं था तो थोड़ा रिलैक्स टाइम मिला आराम से बातें करने के लिए, बहुत सारे बातें की, बहुत मतलब बहुत बोलो, मुझे यही बोले थे हम लोग इतने दिन तक घर को यूट्यूब से देखते थे, आज पूरा दिन पूरा रात घर में रहे, आप लोग के साथ स्पेंड किया, इतना अच्छा लगा, मुझे बार बार वही बोले थे इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हो दीदी, अब ये मत करो वो मत करो, बीच बीच में आके सब ने मुझे हेल्प किया, संगीता ने, मम्मी ने, मम्मी ने भी शॉपिंग करके दिया, गीत ने भी कल शॉपिंग करके दिया, स्मिता ने इतने सारे भरते
बर्तन धो के निकाले कर, पूजा ने, सब ने मतलब मिलके मुझे थोड़ा थोड़ा करके सब जितना उन लोग से पॉसिबल हो सके उतना मदद किया। मेरे भाई ने भी नीचे से, पापा ने भी नीचे से 2-3 बजा के सामान ला के दिया। तो हम लोग ने सब मिलजुल के एक दूसरे को हेल्प करके कोऑर्डिनेट करके पूरा डे नाइट स्पेंड किया और आराम से ये लोग इतना आराम से सो गए ना, इतना थक गए थे। जैसे सब खा पी के वाइंड अप हो गया, मस्त एसी लगाया, दोनों फैन फास्ट करके रखा था और एकदम चिल्ड हो गया था रूम। सब एकदम उधर घोड़े बेच के सो गए थे इतना, क्योंकि वो वाटर पार्क जाके आने के बाद थकावट हो ही जाता है। और आराम से खाना भी इन लोगों को बहुत पसंद आया। प्रमोद भी बोल रहा था मैंने पहली बार अखा मूंग का जो ग्रेवी होता है मसाले वाला फर्स्ट टाइम खाया और मुझे इतना पसंद आया वो नॉनवेज से, तो वेज खाना कितना अच्छा लगा मुझे। तो बाहर से भी लाया था, जिनका जो नॉनवेज खाने वाले थे उनके लिए चाइनीज़ लाया था विजय ने, मेरे भाई ने, और बाकी जो वेज थे उनके लिए तो मैंने घर पर ही बनाया था। क्योंकि मैंने घर पर इसलिए बनाया कि सुबह भी उन लोगों ने नाश्ता बाहर का किया, दोपहर का खाना भी बाहर का खाया, फिर रात का बाहर का खाना नहीं खाया, उससे अच्छा मैं घर पे ही हेल्दी जो भी मेरे से बन पाएगा पॉसिबल होगा वो बना दूंगी। तो वो क्रिस्पी भिंडी फ्राई बनाया था वो भी सबको बहुत पसंद आया, बैंगन फ्राई किया था वो भी पसंद आया, दाल भी पसंद आया, सैलेड था, मैंगो था, अचार था। तो बहुत अच्छे से हम लोग ने बोलते ना मिलजुल के बैठ के डिनर किया। और अस्मिता के सारे सिस्टर्स और उनके हस्बैंड इतने फ्रैंकली है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बाहर से कोई अलग आए, तो एकदम हम लोग इतना हंसी मजाक करते, मतलब व्लॉग में तो अभी सब कुछ नहीं शूट करके दिखा पा रही हूँ, बट इतने वो लोग कंफर्टेबल हो गए घर में आके, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि अरे बाहर से कोई आया तो अड़चन हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। वो सब लोग अपना अपना, उन्होंने जो वाटर पार्क में कपड़े यूज़ हुए थे गीले हो गए थे तो मैंने कहा मशीन में डाल दो जाने तक सूख भी जाएंगे, तो रात को हम लोग ने मशीन लगा दी और उनके सारे कपड़े सूख गए। अब वो घर पर जाके कब शाम को जाके वॉश करेंगे, तो मैंने वो भी सब यहाँ पर वॉश किया। तो इतना अच्छे से हम लोग का टाइम स्पेंड हुआ ना, और मेरे को सच में बोलो ना दिल से इतना मुझे अच्छा लगा कि मेरे मम्मी पापा भाई गीत की सारी फैमिली आके गए, रह के गए, मतलब अभी मुझे बोलते ना वो चली होगी, हाँ चलो सब लोग आए, एक दो दिन रहे, टाइम स्पेंड किया। अब क्या सुशांत की शादी में हम लोग लग जाएंगे तो फिर बाद में किसी को भी उतना टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एंड ऑब्वियसली शादी के बाद तो घर का सिचुएशन थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। तो मैं बोला उससे पहले ये लोग आके गए तो अच्छा ही हो गया, सब टाइम स्पेंड करके गए। और सच में लोगों को घर इतना पसंद आया ना, मेरे को बोलते दी आपका घर इतना सुंदर है, इतने अच्छे से आप लोग ने उसको डेकोरेट किया, इंटीरियर इतना अच्छे से किया, सब कुछ इतने अच्छे से किया। आज व्लॉग में देखने के बाद आज जब रहने का मौका मिला तो हम लोग को सच में बहुत अच्छा लगा। सोसाइटी इतनी अच्छी है, बिल्डिंग इतना अच्छा है, गार्डन इतना अच्छा है, एरिया आप लोगों का इतना अच्छा, शांत काम है, नीचे जाओ तो सब कुछ मिलता है। सो दे रियली लाइक्ड इट, उनको सबको बोलते ना जो कल शाम से वो लोगों ने टाइम स्पेंड किया उनको इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
टाइम हो गया जाने का भी, मैं सबका टिकट निकाल दिया, चलो बाय 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 बाय, एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया एंड थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम, थैंक यू बोला तुम लोग आए रहे, मुझे ना वही सबसे ज़्यादा खुशी हो रहा है कि आज ही एटलीस्ट मिल के रह के गए, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और अभी 7:36 का यहाँ से दादर है, क्योंकि उसमें आराम से बैठ के जाने भी मिलेगा और अंधेरी उतरने भी मिलेगा। चर्च गेट पकड़ेंगे तो इतने सारे बैग्स हैं तो इनको उतरना नहीं मिलेगा। मम्मा बोल दो बाय 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 बाय। मम्मा भी खुश है लेकिन जाना है ना, उसका भी उदासी हो रहा है, बट इट्स ओके, जाएंगे आएंगे वो तो चलता ही रहेगा सब। आर्या तो घर ही नहीं जाना चाहती, वो बार बार यही बोलते आई डोंट वॉन्ट टू गो जू, आई डोंट वॉन्ट टू गो जू। आरू वो ट्रेन इतना देखने में खुश हो गई है, से बाय यू गोइंग ट्रेन में। हाँ उसको इतना अलग लग रहा है ना, सब ट्रेन्स जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तो देख देख के। और अभी यहाँ से जस्ट धानु उतरी ना तो धानु का इतना सारा क्राउड हो गया, हम लोग वही देख के डर गए कि आज संडे इतना क्राउड कहाँ है, लेकिन अभी सब खाली हो गया है। तो अभी 7:07 का चर्च गेट जाएगा, उसके बाद आएगा हम लोग का दादर लोकल जिसमें ये लोग सब बैठ के जाने वाले। मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया और इनके लिए टिकट निकाल के दे दिए, तो हो गया डे एंड। घर देखे एकदम शांत सन्नाटा हो गया, सिर्फ मैं सानू और डैडी है, पूरा घर हो गया शांत। तो मैं इनको ट्रेन में आराम से बिठा कर आई और उसके बाद मार्केट गए, जो मेरे को बाकी का सामान लाना था वो सब लेकर अभी घर पे ऊपर आई हूँ। बत्ती वगैरह लगा दिया है और इतना सुना सुना घर लग रहा है, पूरा घर भरा हुआ था लोगों से, सब रूम में चहल पहल था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चालू ही था, टीवी चालू था, आवाज़ ये वो, पूरा घर भरा था। सडनली पूरा घर शांत हो गया और सबसे ज़्यादा तो मैं आर्या को ही मिस कर रही हूँ। अभी भी मैं सानू को बोल रही थी सानू जा बुक लेकर आ, तो मेरे मुँह से आर्या ही निकला, क्योंकि 5 दिन कंटिन्यू सानू आर्या बोल बोल के वो एक हैबिट जैसा हो गया था, तो फट से मेरे मुँह से आर्या ही निकला, आई एम रियली मिसिंग हर। वो छोटी सी क्यूटी पाई, मैंने उसके साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा था, टाइम स्पेंड किया आर्या के साथ मन भर के। सानू ने भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, मन भर के जी भर के हम लोग ने उसके साथ मस्ती प्यार, बोलते ना उसको इतना दबा दबा के प्यार किया ना, वो इतना चिल्लाती थी लेकिन अच्छा लगता था, तो बोलते ना पूरा अच्छा लग रहा है। वो लोग सब आए रहे एंजॉय किए खाए पिए गए और दोपहर का बिरयानी वॉज जस्ट ऑसम, इतना टेस्टी था ना, सबने दो दो बार लेके खाया, इतना टेस्टी था। उसका चिकन भी इतने अच्छे से कुक हो गया था, और तंदूरी चिकन था, उसमें मसाला इतना अच्छा था, राइस इतना अच्छे से कुक हो गया था, मतलब 10/10 था। मेरे को वही टेंशन हो रहा था कि बिरयानी कैसे बन के आएगा, फर्स्ट टाइम मंगा रही हूँ, नया ओपन हुआ है, लेकिन मैंने बहुत सुना था कि उसका बिरयानी बहुत अच्छा है, टेस्टी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने एडवांस में ही ऑर्डर दे दिया था। इट वॉज ऑसम, सबको पसंद आया, इतना माउथ वॉटरिंग बिरयानी था, सबने पेट भर के खाया और फिर आराम से दोपहर को सब सो गए। उठने के बाद फ्रेश होकर चाय पी के फिर निकले, तो यस बहुत अच्छे से आज का डे भी स्पेंड हुआ। तो ये पूरा 4-5 दिन का जो ब्लॉग था आज हो जाता है एंड, अभी से चालू होगा हम लोग का रेगुलर ब्लॉग। अभी कल एक दिन ब्रेक है, परसों जाना है मनाली के हल्दी में, आई थिंक निशु को छुट्टी है, तो निशु से ऑल्सो वोड़ू कम, तो मैं वो कल कंफर्म करूँगी आप लोग के साथ जब आज निशु रात को आ जाएंगे। तो ऑन दिस नोट आई एंड दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग हियर ओनली, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इफ यस, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम दोनों की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू।